और अब खबर शामिल करेंगे हीरो खान से, जहां सिविल सोसाइटी और साथसा और तलबा ने सिंध हुकूमत के खिलाफ एहतजाज करते हुए स्कूल खोलने का मुतालबा किया। मुजाहिरीन ने हाथ में बैनर्स और प्ले कार्ड उठा रखे थे। मुजाहिरीन का कहना था कि सिंध हुकूमत मुकम्मल तौर पर नाकाम हो चुकी है, तीनों सूबों में स्कूल खुल चुके हैं, सिंध हुकूमत को घर चले जाना चाहिए क्योंकि वो सिंध दुश्मन मंसूबे पर काम कर रही है। बच्चों के मुस्तकबिल के साथ खिलवाड़ बंद करते हुए फौरी तौर पर स्कूल खोलने का मुतालबा किया गया। उनका मजीद कहना था कि अगर स्कूल ना खोले गए तो धरना दिया जाएगा और एहतजाजी तहरीक भी चलाई जाएगी। जब से ये गवर्नमेंट पीपल्स पार्टी का ये तो तालीम उन्होंने तबाह की हुई है। अभी तो ये जो मुराशा ने पॉलिसी बनाई है कोरोना की ड्रामे में, कहता है कि रोज़ स्कूल बंद करो, जलसों में मजालसों में हर चीज़ में वहाँ कोरोना नहीं आती, सिर्फ बच्चों को पढ़ाने में स्कूल में आती है। तो हम गवर्नमेंट से मुतालबा करते हैं कि ये ड्रामा टोपी बंद करो और बच्चे जो हमारे मासूम बच्चे हैं जिनका मुस्तकबिल तबाह हो रहा है उन पर ध्यान दो और तालीम जो है ना खोल कर स्कूल को खोला जाए जिससे बच्चे हमारे तालीम मुहैया कर सकें। आगे बढ़ते